अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था कि वो अपने खुद के प्रयासों से 100% कमाने की बजाय 100 लोगों के प्रयासों से 1% कमाना ज्यादा पसंद करेंगे। जी हाँ गाइस, उनका इशारा शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट की तरफ था। दरअसल जॉन डी रॉकफेलर ना सिर्फ अमेरिका के बल्कि दुनिया के भी सबसे पहले अरबपति थे। रॉकफेलर ने साल 1870 में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की शुरुआत की थी और उस समय वो ऑयल कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारक थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी संपत्ति में कई गुना इजाफा किया था और अरबपति बन गए थे। सो गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट के लिंक्स गिवन है, फटाफट से डीमैट अकाउंट खुलवाइए और अपनी इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का संक्रमण करीब 21 से ज्यादा देशों में फैलने के बाद लगातार बढ़ते ही जा रहा है और इसी बीच WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गंभीर चेतावनी देकर सबको चिंता में डाल दिया है। दरअसल WHO ने कहा है कि यह संक्रमण 5 से 14 साल के बच्चों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है और पिछले दिनों में कई देशों के बच्चों में संक्रमण के मामले 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। अब तो भारत में भी इसके लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और ये ऐसी स्थिति है जब बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है। गाइस, आपको क्या लगता है कि इस ओमिक्रोन वेरिएंट से भारत में तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक 49 साल की महिला ने सच्चा प्यार ना मिलने पर अपने ही 6 साल के कुत्ते के साथ शादी कर ली। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं और इसके पीछे की वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल इससे पहले वो महिला लगभग 200 लोगों के साथ डेट कर चुकी थी, लेकिन हर किसी ने इस महिला को धोखा दिया। इसी वजह से उसका इंसानों पर से भरोसा बिल्कुल उठ गया और सच्चा प्यार ना मिलने के कारण उसने अपने ही कुत्ते के साथ शादी करने का फैसला किया। सच्चा प्यार पाने की तलाश में लोग क्या कुछ नहीं करते, और ऐसा ही देखने को मिला इस महिला के साथ भी। इंडिया के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने दुनिया भर में अपनी कामयाबी का डंका बजा दिया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक BRO ने पूर्वी लद्दाख में लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। साथ ही में BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के दोनों बेस कैंप की ऊंचाई को भी मात दे दी है। कैवियर कंपनी ने हाल ही में एप्पल आईफोन 13 प्रो सीरीज के एक नए अल्ट्रा हाई एंड कस्टमाइज वर्जन को तैयार किया है। कंपनी ने इसी में एक स्पेशल आईफोन 13 प्रो मॉडल निकाला है और इसकी खास बात यह है कि इसमें एक डायनासोर के दांत का टुकड़ा लगाया गया है जो कि 80 मिलियन साल पुराना है, जिसकी कीमत लगभग 6.7 लाख रुपीज है और कंपनी ने ऐसे सिर्फ 7 आईफोन ही बनाए हैं। वैसे कैवियर रूस की एक लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी है जो कि स्मार्टफोन, कंसोल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के प्रीमियम वर्जन बनाता है। गाइस, आपको सिर्फ डायनासोर के दांत के लिए 6.5 लाख के करीब देना कितना वाजिब लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।